अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक एक और वीडियो में आपको शामजीत कहते हैं। तो आज का हमारा टूर है सियालकोट की बथरा मंडी की। जैसे कि ईद के दिन चल रहे हैं, नुमान भाई हैं, नुमान भाई थोड़े एक्सपर्ट हैं, इनको हम साथ लेके आए हैं। आज हम जो है ना चेक वगैरह करने आए हैं मंडी में क्या सूरत चल रही है। अभी तकरीबन 8 से 9 दिन बाकी हैं। तो ये जो जानवर जिस जगह पर भी हम खड़े हुए हैं, ये ऑलमोस्ट इधर सब कह लें कि बहुत बड़े बड़े जानवर हैं। एक ये वाला और एक ये वाला, यानी कि इन दोनों के 16 लाख रुपए डिमांड की है। ये चेक करें रमान भाई, कितने मन का होगा ये? तकरीबन 17 या 18 मन का जानवर। 17-18 मन का जानवर है, दोनों ही ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। इनको हमने खोल के भी चला के भी दिखाया और इसकी इन्होंने 16 लाख रुपए डिमांड की है। तो आगे साथ साथ चलते हैं, हम मंडी में विज़िट करेंगे और साथ साथ आपको भी विज़िट कराएँगे और देखेंगे इस दफ़ा मंडी में क्या सूरत हाल चल रही है। ये जिस जगह पे भी हम खड़े हैं, ये बता रहे हैं कि सियालकोट की सबसे बड़े जानवर इधर, सबसे बड़े जानवर हैं सियालकोट की मंडी, सबसे बड़े बड़े जानवर सियालकोट के इस मंडी में हैं, जैसे आप देख रहे हैं वीडियो में भी। और अभी हम पहला स्टॉप है, इसके बाद हम आगे जिधर जिधर जाएंगे आपको दिखाएंगे। इधर बाकी जानवर का साइज़ इधर ह्यूज साइज़ है, आपके सामने ही है जानवर बड़े बड़े साइज के। जी बकरा 2,60,000 रुपए का, ये अकेला एक बकरा 2,60,000 चेक कर ले आप। जानवर ठीक है लेकिन 2,60,000 वाली भी बात जो सी है ना वो समझ में नहीं आती। डेढ़ लाख है जी वो जो जा रहा है बकरा, 1.5 लाख रुपये उसका रेट है। ये बकरा जी 1,60,000 रुपये का बकरा अच्छा है माशाल्लाह, लेकिन फिर भी उस हिसाब से मार्केट के लिहाज से जो है थोड़ी सी महंगा ही है। मान भाई मंडी से वापस आया, क्या सूरत हाल थी मंडी की? मंडी में माशाल्लाह अल्लाह पाक के बनाए हुए बहुत बहुत प्यारे जानवर आए। तो खरीदार जरा काम थे, अभी खरीदार अभी काम है, अभी व्यापारी भी जो था ना बात सही सुन नहीं रहे। तो काफी बड़े बड़े जानवर आए हुए थे मंडी में, क्यों मुबीन भाई? सही बात है, सफेद कलर के भी थे, ब्राउन भी थे। अली भाई खाने में आप बहुत जबरदस्त बैठे आए हुए थे, ऐसी नहीं लेकिन बकरे बहुत ज्यादा मैंने देखे हैं, जानवर भी उस हिसाब से नहीं है ज्यादा। और रश जो था ना अभी खरीदार नहीं थे, लोग चेक कर रहे थे, बहुत कम कोई खरीदार था, सब लोग मार्केट चेक कर रहे हैं। अभी 8-9 दिन बाकी हैं, अपना बैठा पसंद कर लिया, इंशाल्लाह ईद के करीब जाके हम लेके आएंगे। क्यों मुबीन भाई कर लिया पसंद? 8 लाख रुपया मांग रहे हैं। अच्छा तो अभी हम वापसी पे रुके हैं इधर लेक के पास ना, ये दाल चावलों अपना चने चावलों का स्टॉल है।
ज़्यादा रश होता है इधर रात को 2-3 बजे तक भी। तो फर्स्ट टाइम इतफाक हुआ कि चेक करके जाए, वो आते हैं प्लेट चेक करें, इसमें पाँव का शोर बटल आया, कमजोरी हुई थोड़ी सी, पाँव का शोर भी चने इसमें हमने डलवाए हैं, चने और थोड़ी सी हलीम डलवाई है और अंडा डलवाया मुबीन भाई ने, ताकत की प्रोटीन पूरे किए जा रहे हैं और मैंने थोड़ी सी हलीम डलवाई है, टेस्ट कर इनका टेस्ट अच्छा है। तो ये था मंडी का टूर और आज का ब्लॉग, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में हो सकता है फिर से अगली दफ़ा मंडी जाए जानवर खरीद। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।